केवल एक सीरियल में काम करके रातों रात सुपरस्टार बन गए थे ये सितारे, बॉलीवुड तक सुनाई दी गूंज। टीवी इंडस्ट्री में सितारों की कोई कमी नहीं है। लोग खुद को इंडस्ट्री में पहचान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कई शोज में काम करने के बाद सितारों को शोहरत नसीब होती है। वहीं कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो केवल एक शो में काम करके सुपरस्टार बन चुके हैं। इन सितारों के शोज ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। फैंस आज भी इन सितारों को केवल इन सीरियल्स की वजह से याद करते हैं। अपनी इस वीडियो में हम आपको इन सितारों के नाम गिनाने जा रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला। सीरियल बालिका वधू में काम करने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला घर घर में पहचाने जाने लगे थे। ये इस फेम का ही कमाल था कि लाख दुश्मन होने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 का खिताब अपने नाम किया। बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला का फेम कम नहीं हुआ। बिग बॉस 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को कई म्यूजिक वीडियोस में काम करने का मौका मिला। हालांकि इस फेम के सामने से काफी पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने यह 2014 में फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे ने सीरियल पवित्र रिश्ता में साथ काम किया था। इस शो ने कई सालों तक लोगों का मनोरंजन किया। शो में सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे ने अर्चना और मानव का किरदार निभाया था। इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत को शो में मिले फेम की गूंज बॉलीवुड तक जा पहुंची। मौका मिलने पर सुशांत सिंह राजपूत ने ये साबित कर दिया कि वो वाकई एक महान कलाकार हैं। देहांत होने के बाद भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के काम की बहुत सराहना करते हैं। यामी गौतम। टीवी अदाकारा यामी गौतम भी अपनी टीवी सीरियल से प्यार न होगा कम की वजह से रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। यामी गौतम की इस शो ने टीआरपी लिस्ट को हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही इस शो ने यामी गौतम की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। आज यामी गौतम बॉलीवुड का एक जाना माना नाम बन चुकी है। मौनी रॉय। सीरियल नागिन ने मौनी रॉय की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। सीरियल नागिन एक बड़ा हिट शो साबित हुआ था। इस शो की वजह से मौनी रॉय के पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आने लगे थे। बाद में नागिन की वजह से मौनी रॉय को बड़ी ही आसानी से एंट्री मिल गई। करण सिंह ग्रोवर। टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने दिल मिल गए के डॉक्टर अरमान बनकर टीवी जगत को हिला दिया था। इस शो के खत्म होने के बाद करण सिंह ग्रोवर ने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया था। इसके अलावा करण सिंह ग्रोवर ने बाद में सीरियल कसौटी जिंदगी के 2 में मिस्टर बजाज का किरदार भी निभाया था। मोहित रायना। सीरियल देवो के देव महादेव में भगवान शिव का किरदार निभाकर मोहित रायना ने फैंस के दिलों में एक अलग जगह बना ली थी। इस शो में काम करके मोहित रायना ने बहुत फेम कमाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोहित रायना को फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला। बॉलीवुड के बाद अब मोहित रायना ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रहे हैं। करण कुंद्रा। टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने अपनी करियर की शुरुआत कितनी मोहब्बत है नाम के सीरियल से की थी। इस शो की वजह से करण कुंद्रा रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। करण कुंद्रा के इस शो की वजह से उनको काफी शोहरत मिली। इस शो में काम करने के बाद करण कुंद्रा को बॉलीवुड में काम करने का भी मौका मिला। गुरमीत चौधरी। गुरमीत चौधरी ने सालों पहले रामायण में काम किया था। राम बनकर गुरमीत चौधरी ने फैंस का दिल जीत लिया। रामायण में काम करने के बाद गुरमीत चौधरी ने कई रियलिटी शोज और टीवी सीरियल्स में काम किया। इतना ही नहीं, यह 2015 में गुरमीत चौधरी ने फिल्म खामोशिया के जरिए बॉलीवुड में एंट्री भी मारी थी। प्राची देसाई। सीरियल कसम से की वजह से प्राची देसाई रातों रात फेमस हो गई थी। सीरियल कसम से की वजह से प्राची देसाई को झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद प्राची देसाई ने भी बॉलीवुड की तरफ रुख कर लिया। यह 2008 में फिल्म रॉक ऑन के साथ प्राची देसाई ने बॉलीवुड में दस्तक दी थी। शरद केलकर। फिल्मों में आने से पहले शरद केलकर ने कई टीवी शोज में काम किया है। शरद केलकर को सीरियल सात फेरे ने अचानक एक बड़ा स्टार बना दिया था। सीरियल सात फेरे में शरद केलकर ने अपनी अदाकारी से लोगों की खूब वाहवाही लूटी थी।
शरद केलकर बॉलीवुड के अलावा मराठी, टॉलीवुड, कॉलीवुड फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं।